तुम्हारी मिट्टी में असम नहीं तो उसी को हम गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना चाहते हैं कि फूड तो फार्मर्स के थ्रू ही आएगा, हम लोग तो फूड प्रोवाइड नहीं कर सकते वो, तो फार्मर्स को अवेयरनेस देने के लिए हम PAU के टाउन में रहते हैं और हमारे भी यहाँ जो डिग्रेडिंग ऑफ सॉयल एंड जो पराली जलाने की प्रॉब्लम आपको पता ही है हमारे यहाँ भी है, जबकि ऐसे टाउन में रहते हैं ताकि बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो एग्रीकल्चर का है, इसका मतलब है कि जो या तो रिसर्च ठीक नहीं हो रही या उन लोगों तक इम्पार्ट नहीं की जा रही जिन लोगों को उसका फ्रूट मिलना चाहिए बेनिफिट, जिनको अगर फार्मर्स तक सही रिसर्च जाएगी, गवर्नमेंट सब्सिडी तो देती है लेकिन वो सही फॉर्म में जानी चाहिए, रादर देन कि यूरिया के लिए दिया आप बायो फर्टिलाइजर आप उनको प्रोवाइड कीजिए, वो क्यों आपकी जो है ये इन्वॉल्वमेंट इतनी ही चाहते हैं कि जैसे ये स्टिकर्स हैं आप अपने कार्स पे स्टिक करें और ये जो सारे हुण आ देखो हां जी ये तुसी कदों देखे सी ਇਮੀਡੀਏਟ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਗਿੰਡੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਗਿੰਡੋਏ ਕਦੀ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 150 ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਗਾੜੀਓ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਲਓ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੀ ਮੈਂ ਹੈ ਕਿਚਵਾ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਉਹ ਤਾਂ 1500 ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 1500 ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਕੁਇੰਟਲ ਥੋੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ ਗੋਹਾ ਮੋੜ ਮਿਲਦਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 0.5% ਰਹਿ ਗਿਆ 13% ਮਿਨੀਮਮ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੇਵ ਅੱਜ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਦਾ 10 ਖਾ ਲੋ ਉਹਨੇ ਬਰਾਬਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਐਸੇ ਵੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਆਇਆ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ 5% ਨਹੀਂ ਗਾੜੀ ਤੇ ਫੋਇਲ ਤੋਂ ਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲੀਜ਼ ਜੀ ਆਪ ਆਪਣੀ ਗਾੜੀਓ ਤੇ ਲਗਾਏਂਗੇ ज्यादा से ज्यादा लोगों को पर आप ये कहना नहीं माना पहले इसको मीठा कुछ खाइए हम सभी मिट्टी से जुड़े हुए।